सूरत सहित समग्र दक्षिण गुजरात में छेल्ला 3 दिवसथी अनाधार वरसाद वरसी रह्यो छे, જેના કારણે સુરત શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। ખાસ કરીને સુરતમાંથી પસાર થતી ખાડીઓના કિનારાના વિસ્તારમાં અનેક જગ્યા ઉપર પાણી ભરાઈ જતા લોકો ફસાઈ ગયા હતા, જેમનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। હવામાન વિભાગે સુરત શહેર અને જિલ્લામાં છેલ્લા 3 દિવસથી સતત વરસાદ અંગે કરેલી આગાહી સાચી પડી છે। આજે 24 તારીખે પણ સુરત શહેરમાં વહેલી સવારથી શરૂ થયેલો વરસાદ યથાવત રહેવા પામ્યો છે। છેલ્લા 3 દિવસમાં સતત પડેલા વરસાદના કારણે શહેરના અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદના પાણી ભરાઈ ગયા છે। સણિયા, હેમદ ઉપરાંત લિંબાયત સહિતના વિસ્તારોમાં જ્યાંથી ખાડી પસાર થાય છે ત્યાં વરસાદના પાણી ભરાઈ જવાના કારણે લોકો ફસાઈ ગયા હતા। મહાનગરપાલિકા અને પોલીસ દ્વારા પાણીમાં ફસાયેલા લોકોનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। ખુદ સુરત મહાનગરપાલિકાના મેયર અને કમિશનર સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લઈને સ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી। રવિવાર સાંજથી સમગ્ર સુરત જિલ્લાના મહેમાન બનેલા મેઘરાજાએ બુધવારે પણ ક્યાંક ધીમી અને ક્યાંક ઝડપી ગતિએ હાજરી નોંધાવી હતી। આંકડા પર નજર કરીએ તો બુધવારે સવારના 6 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી જિલ્લામાં સૌથી વધુ માંગરોળમાં 100 મીમી એટલે કે 4 ઇંચ, ઉમરપાડામાં 80 મીમી, મહુવામાં 75 મીમી, બારડોલીમાં 62 મીમી, પલાસનામાં 48 મીમી, માંડવીમાં 44 મીમી, કામરેજ અને સુરત શહેરમાં 39 મીમી, 84માં 38 મીમી અને સૌથી ઓછો ઓલપાડ તાલુકામાં 25 મીમી વરસાદ સાથે સમગ્ર સુરત જિલ્લામાં 2 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે। આ સાથે જ આ વર્ષે સુરત જિલ્લામાં સિઝનનો સરેરાશ 43 ઇંચ વરસાદ વરસી ચૂક્યું છે, જેમાં સૌથી વધારે 62 ઇંચ સાથે ઉમરપાડા અને 23 ઇંચ સાથે 84માં સૌથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે। लास्ट 3 दिन से सूरत शहर में कंटिन्यूस बरसात हो रही है और उसके अलावा जो सूरत शहर के ऊपर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर भी कंटिन्यूस बरसात हो रही है। उसके कारण जो सूरत शहर में से अलग अलग स्थानों पे से जो क्रीक्स निकलती हैं उसमें पानी का लेवल बढ़ा है। साथ में जो समुद्र की जो भर्ती होती है, हाई टाइड्स हैं, उसका भी असर सूरत शहर में होता है। इन सब को सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए सूरत कॉरपोरेशन की तरफ से कंटिन्यूसली इस सिचुएशन पर वॉच एंड मॉनिटरिंग किया जा रहा है। 24 आवर्स कंट्रोल रूम कार्यरत हैं अलग अलग विभागों के साथ में, जैसे कि DGVCL, टॉरेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, इरिगेशन डिपार्टमेंट, डैम्स, उन सभी विभागों के साथ में कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। जहाँ पर भी लेवल्स बढ़ते हैं या फिर लो लाइंग एरियाज़ है जहाँ पर पानी भरने की आशंका है, वहाँ पर एडवांस में लोगों को शिफ्ट कराने की पर व्यवस्था कॉरपोरेशन की तरफ से की गई है और उनके लिए शेल्टर होम्स, फूड पैकेट्स, पानी की व्यवस्था, मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जहाँ पर भी कोई भी ट्री गिर जाता है या फिर स्ट्रीट पोल गिर जाता है तो 24 आवर्स शिफ्ट्स में टीम्स काम कर रही हैं और तुरंत उनको हटा के और रोड को क्लियर करके ट्रैफिक व्यवस्था को रेगुलराइज किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी बरसात से रिलेटेड काम है वो सूरत महानगरपालिका के अलग अलग जोन्स की, वार्ड्स की, हेल्थ की, सैनिटेशन, इंजीनियरिंग सभी टीम्स मिल के पूरे सूरत शहर में काम कर रही हैं। अभी आज भी हैवी रेन्स के फोकास्ट हैं और कल भी हैवी रेन्स का फोकास्ट है। साथ में ऊपर के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हैवी रेन का फोरकास्ट है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो क्रीक्स हैं उसका लेवल, तापी रिवर का लेवल और जो बैकवाटर्स है उन सब के इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए
जहाँ पर भी पानी भरने की संभावना है वहाँ पे लोगों को एडवांस में अलर्ट किया जा रहा है, और अलर्ट के साथ साथ में कॉरपोरेशन जो है उनको पूरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ में इवैक्यूएट करने का काम कर रही है, और उनके लिए सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो संपूर्ण तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, जैसे कि फूड, वाटर, मेडिकल, सैनिटेशन, शेल्टर होम्स। इनके अलावा यहाँ से अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे हैं कि स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो जहाँ तक संभव हो, कोई इमरजेंसी कंडीशंस ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। और स्पेशली जो क्रीक्स हैं वहाँ पे फ्लो बहुत ज़्यादा है, रिवर में भी फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो उन एरियाज़ के आसपास में लोग मूवमेंट ना करें, उस तरह के अलर्ट्स भी पूरी सिटी में दिए गए हैं।